स्टूडेंट्स, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं फिल्म मिजाज भाई राज। तो आप सभी को मैं सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो सभी लोग खुश रहें, आशा करता हूँ मैं। आप लोग सभी का जो पूरा साल अच्छा बीतेगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नए साल में मैं सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो यही नया कि ये जो मैं आज मैं जो जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, ये वैसे अपनी 18 दिसंबर को रिलीज की गई थी नेटफ्लिक्स पे, आप इसको आगे देख सकते हैं। तो मैं सोचा, मैं देखा तो वाह, मतलब जबरदस्त कहानी लेके, मतलब इसमें जो पूरा मैसेज दिया गया है समाज में, कैसे कैसे मतलब घटनाएं चलती, कितने कितने मतलब कितने टाइप के मतलब पर्सन पड़े हुए हैं। तो मैं देख के पूरा मतलब चौंक गया मैं, मतलब मेरे दिल को इतना छू गई, मतलब ये जो मूवी है। तो इसका नाम है पावा कथईगल, जो ये एक तमिल एंथोलॉजी मूवी है, मिनी सीरीज है ये। ये चार जो छोटी छोटी मतलब वो 38 मिनट की या 40 मिनट की जो कहानियां बना के चार मतलब बनाई गई हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका जो इसका अर्थ क्या होता है कि पावा कथईगल का, इसे कहते हैं पापी या पाप पूर्ण जो मतलब कहानियां रहती है इसे कहते हैं। तो मतलब चौंक के मतलब इतना जबरदस्त मैसेज, इतना जबरदस्त है, मतलब डायरेक्शन, राइटिंग, म्यूजिक और वो एक्टिंग, मतलब मैं तो देखिए बात चौंक गया ही कहूंगा, मतलब मैं क्या बताऊं। चलिए आगे इसकी बात करते हैं। और जो पहली कहानी है उसका नाम है थंगम, थंगम तमिल में कहते हैं सोना को। तो इसके जो डायरेक्टर है वो छुदा कोबरा है, और कास्ट इसमें जो किए हैं वो सत्थर बने हैं, कालिदास जयराम और सर्वानंद का रोल प्ले किए हैं शांतनु भाग्य राज। तो थोड़ा सा मैं कहानी के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसमें कहानी ये है कि वो जो अपने सथर हो गए और सर्वानंद दोनों दोस्त रहते हैं मतलब बचपन के ही। तो ऐसे दिखाई गई है, मतलब ये 1980s की मतलब कहानी दिखाई गई है वहाँ पे, कि मतलब साउथ में अपने वो तमिलनाडु में वहाँ पे मतलब रहते हैं। तो उनका दोस्त जो क्या ट्रांसजेंडर बेचारा है वो, तो मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग, मतलब इमोशनल अटैचमेंट उन लोगों के बीच में रहता है। तो वो जो अपना सर्वानंद है वो एक मतलब फीमेल जो अपने मुस्लिम लड़के से मतलब प्यार करते हैं, तो वो मतलब उसके चल जाता है। देखिए कहानी पूरा बताऊंगा तो छोटी सी है ये, आते तो पूरा बताना रिवील नहीं करना चाहता हूँ। आप देखिए क्या होता है, मतलब इतना गजब इमोशनली एक मैसेज दिया है कि मतलब समाज में क्या है कि मतलब दूसरे की मतलब मौत करके एक मतलब और एक दूसरे की वो मतलब घर बसा रहे हैं। तो ये कहाँ तक तो मतलब बताइए कहाँ तक तो सही कहानी है ये। तो आपको जी मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता समाज में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब कोई वो नहीं है, कोई असर किसी को नहीं पड़ता है। तो बहुत ही प्यारी कहानी, आप देखिए इसको। अब बात करता जाता हूँ मैं, सेकंड जो कहानी है वो लव लव पन्ना उत्तरानम। तो जैसे ही जानते हैं यहाँ तमिल में सब नाम है। तो इसमें जो डायरेक्शन, इसके जो डायरेक्टर है वो विघ्नेश सवन, और राइटर है वही विघ्नेश सवन, सेम सेम। इसमें जो कास्ट की है अपना आदि लक्ष्मी अंजलि बनी हुई है, और वीर सीमान पद्म कुमार, और पिनेलोपी जो रहती है वो कल्कि कोचलिन ने प्ले किया है। तो इसकी कहानी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, ये है कि ये क्या कि साउथ में वही एक लैंडलॉर्ड रहते हैं, तो ये थोड़ा पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं। तो जानते हैं ये जो एक दूसरे इंटरमैरिज कास्ट की जो शादियां होती है इसके बारे में है, कि मतलब दूसरे को वो जो रहते सपोर्ट करके मतलब करवाते शादी को। तो वहाँ मतलब अपने तो आपको तो अच्छा दिखा रहे हैं वो, लेकिन रियल में क्या जब उनकी लड़की खुद ऐसे मतलब कंडीशन हो जाती है, वो खुद ही मतलब प्यार करती है, तो वो मतलब संभाल नहीं पाते, मतलब उनकी इज्जत को देखते हैं, अपने हर चीज को, अपने वहम को, अपने गर्व, मतलब हर चीज का वो जो प्राउड फील करने का उनको चोट लगती है। तो कहानी दिखाई देती है कि उनके जो बड़ी लड़की रहती है वो उसके डर कर देते हैं, मतलब इतनी अच्छी दिल को छूने वाली कहानी है। मतलब इतना जबरदस्त काम किया गया डायरेक्टर द्वारा, मतलब हर जो एक्टर पूरा बहुत ही जबरदस्त दिल को छूने वाली, क्या बताऊँ मैं, जितनी तारीफ करना चाहूंगा मैं उतनी कम है ये। आप देखिए इसको कैसे कैसे किया, मतलब वही है कि समाज को दूसरा दिखाने के लिए कुछ और बाहर से है, अंदर जब अपने मतलब वही काम पड़ता है जो अपने ऊपर बीतता वही है कंडीशन, तो वो उनके पास उतना है ही नहीं सहने की क्षमता, तब वो टूट जाते हैं। अब बात करते हैं कहानी नंबर तीसरी जो है वो है वान मागल। इसमें क्या है कि इसके डायरेक्टर गौतम मेनन है और राइटर वही सेम है, और इसमें जो सत्या गौतम मेनन ने एक्टिंग भी की है, और मथी जो बनी है सिमरन और वैदेही है और पोन्नु थाई। इसमें क्या है कि मुझे पर्सनली खुद ये तीसरी वाली बहुत बेस्ट लगी, तीसरी और चौथी दोनों तो बेस्ट लगी है। इसकी थोड़ी सी कहानी बात करना चाहूंगा, ये है कि मतलब वो साउथ इंडिया वही अपने मतलब वाइफ के साथ और दो दो बेटियां हैं और एक बेटे के साथ रहते हैं सब। जिसमें ये रहता है इतना गजब दिखाया गया है कि मतलब कैसे, इसमें खासकर मैं ये बात करना चाहूँगा, इसमें जो मेन ये है कि उनकी छोटी बेटी का मतलब रेप हो जाता है। तो कहानी कैसे चलती है आप देखिए इसको, पूरा रिवील नहीं करना चाहता हूँ। इतना जबरदस्त मतलब इतना इमोशनली अटैचमेंट हर चीज का, कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, कैसे मतलब एक मदर का
अपने मतलब पेरेंट वो अपने चिल्ड्रन के साथ कैसे रिलेशन रहना चाहिए, कैसे फादर, मतलब इतनी इमोशनली गजब, मतलब इतनी जानदार एक्टिंग, हर चीज का इतनी जबरदस्त मतलब की गई, इतने मतलब तारीफ मैं करूँ उतनी कम। आप देखिए इसको, फील करिए, ऐसे बोलने से मेरे बात बताने से कोई नहीं हो सकता है। आप देखिए बस, ये फील करने वाली चीजें हैं, इतनी जबरदस्त लगी मुझे, क्या बताऊँ मैं। मतलब क्या एक लड़की के पास, एक फीमेल के पास मतलब कोई राइट्स नहीं है, मतलब वो जो करना चाहती है वो नहीं कर सकती है। तो नहीं मतलब घटिया मानसिकता सबकी दिखाई गई है उसमें, मेल मतलब ऐसे कुछ है, मतलब रहते हैं अपने समाज में, हैं कुछ लोग, मैं सबको नहीं मतलब बता सकता, मतलब कह सकता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं एलिमेंट्स रहते हैं समाज में, एक मतलब लोगों के चक्कर में पूरा समाज बर्बाद रहता है। तो बहुत जबरदस्त दिखा गया इसमें, एक मतलब इसमें जो पॉजिटिव मतलब एक अच्छी चीज दिखा रही है कि जो तमिलनाडु में क्या है कि जब लड़कियों को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है तो इतना अच्छा दिखाया है कि वहाँ पे पूरा शादी से भी मतलब भव्य शादी, जितने अपने साइड में यूपी में और इधर के मतलब स्टेट्स में होते हैं, तो वैसे पार्ट मतलब पार्टी टाइप पूरा होता है, मतलब आयोजन पूरा किया जाता है उनको, मतलब नहला के पूरा मतलब फ्रेश करके हर चीज का दिखाया गया उनको, सिल्क की साड़ी पहनाई जाती है। तो बहुत ही जबरदस्त वहाँ कल्चर देखिए, ये अपने इधर के जो स्टेट्स हैं, अपने यूपी हो गए, एमपी हो गए और कोई भी हो गया, उनको सीख कुछ कुछ लेनी चाहिए, मतलब इतना जबरदस्त वहाँ पे कल्चर इतना अच्छा है, कुछ उनसे सीख लेनी चाहिए इधर वाले स्टेट्स को, बहुत ही जबरदस्त आपने देखी इसको। और चौथी जो कहानी है वो है उर इरायू, इसमें क्या है कि इसका डायरेक्टर मैत्री मारन हो गए, वही उसकी राइटर भी हैं। इसमें काश की बात करते हैं, इसमें सुमथी हो गई, साई पल्लवी ने जानते हैं मतलब साउथ की इतनी मतलब वो फेमस एक्टर्स हैं, और अपने जानकी रमन हो गए, उनके फादर का रोल प्ले किए हैं प्रकाश राज ने, मतलब ये भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, मतलब दिल दहला, मैंने देखा दिल दहला लेने की कहानी पूरी है, इतनी जबरदस्त एक्टिंग, हर चीज मतलब पूरा पूरा जाके सीधे मेंटली मतलब आपको इफेक्ट करेगी पूरा, ये इतनी जबरदस्त कहानी थी। अब कहानी थोड़ा बात करना चाहूंगा, ये मतलब वही है कि मतलब अपने पूरा परिवार के खिलाफ जाके वो शादी करती है, मतलब अपनी पसंद से, तो मतलब परिवार से कई सालों से मिली नहीं है, तो प्रेगनेंट रहती है बेचारी, तो उसके जो प्रकाश राज जाते वहां पे हैं, तो मैं तो देख के शौक पूरा हो गया कि मतलब क्या मेंटेलिटी चल रही है कि वहां पे कुछ उनके दिखा रहा कि हाँ सपोर्ट कर रहा, फिर बाद में लास्ट में आप देखिए मतलब क्या होता है वो, है कि मतलब ये समाज में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कोई अगर फ्रीली रहना चाहता है, कोई इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है, लेकिन क्या है कि ऐसी खराब मानसिकता सबकी है, इतनी मतलब सोच की इतनी छोटी है, क्या बताऊं मैं। तो आप देखिए इसको, फील करिए, बस फील ही कर सकते हैं आप इसको, तभी समझ सकते हैं इसके अंदर जाके, गहराई में जाके, मतलब पूरा दिल को छूने वाली, सुकून देने वाली। वैसे तो 2020 की थी ये, मतलब देख नहीं पाया, तो मैं सोचा अपने दर्शकों को मतलब इतनी जबरदस्त, समय रोक नहीं पाया अपने आप को, मैं तुम्हें रिव्यू बनाया ये देख के, तो यही था। अगर बहुत ही जबरदस्त, तो देखिए आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव बात की तो हर चीज मतलब कुछ नेगेटिव ज्यादा इसमें दिखता ही नहीं, जबरदस्त कहानी है, जबरदस्त एक्टिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, जब जबरदस्त डायरेक्शन है इसका, हर चीज काबिल तारीफ, बस आप देख के मतलब फील ही कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब मैं डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक्टर्स को उसमें, इतना मतलब साउथ इंडिया का जो मतलब हर चीज दिखाया गया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके दिखाया गया है, हर चीज काबिल तारीफ, मतलब एक जो जो डायरेक्टर्स ने एक्टर्स मतलब वो एक जो मुद्दा पर उठाए हैं समाज का, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम को, जैसे फर्स्ट कहानी में ट्रांसजेंडर वाली हो गई, सेकंड में क्या है कि अपने हिसाब से वो मतलब उनको अपनी सिक्योरिटी फील नहीं होती है कि मतलब उनको समाज में धप्पा लग जाएगा, उनको बुरा एक मतलब मैसेज जाएगा कैसे हर चीज का, वो सेकंड में हो गई, थर्ड में भी वही है कि मतलब एक फीमेल के लोग के, एक बच्ची के लोग के मतलब एक मेंटेलिटी क्या रहती है, कुछ लोगों की मतलब समाज में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग पड़े हुए हैं जो पूरा माहौल खराब कर देते हैं, थर्ड में हो गया, फोर्थ में अपनी यही हो गया कि मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए, मतलब पूरे परिवार की, उनको लगती है मेंटेलिटी ये है कि समाज वाले क्या कहेंगे, वो मतलब अपने बेटी को ही मार देते हैं, कुछ मेंटेलिटी ऐसी खराब पड़े हुए हैं हमारे समाज, ऐसे लोग पड़े हुए भी हैं। तो मैं सर यही कहना चाहूंगा कि मतलब एक समाज को चेंज करने के लिए पूरा एक थोड़ा मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी ताकि कुछ नया हो सके, तो आशा करता हूँ। तो नेगेटिव अगर मैं बात करूँ इसमें, तो नेगेटिव ये है कि थोड़ा सी कहानी जो अगर सीरियस नहीं दिखना पसंद करेगा, जैसे कॉमेडी होगी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक सीरियस मतलब सिनेमा, पूरा रियल सिनेमा जो है एक अच्छा जैसा होना चाहिए, उस बारे में है ये। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को नए साल पे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सबका नया साल अच्छा रहे, पूरा साल भर सबका अच्छा बीते। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।